अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इखलास शाहिद एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स PRC 3। सर, प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले तो रिजर्व प्राइस को बहुत डिटेल से स्टडी किया। उसके बाद हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो था प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस इनस्टेबिलिटी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। उसमें हमने दो एग्जाम्पल्स पढ़ी थी। एक एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि अगर जो कॉटन है उसकी सप्लाई को इंटेंशनली कम कर दिया जाए तो इससे होगा क्या, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, और जब शॉर्टेज क्रिएट होगी तो कॉटन की जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाएगी, और जब प्राइस इंक्रीज करेगी तो ये जो मिल वाले हैं जिन्होंने कॉटन खरीदनी है, टेक्सटाइल मिल वाले, उनकी मजबूरी बन जाएगी कि वो महंगी कॉटन को खरीदें, और जब वो महंगा खरीदेंगे तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही होगी, जिसकी वजह से एट द एंड वो चीज़ों की प्राइस बढ़ा देंगे। दूसरी एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि शुगर मिल ओनर अगर एक एग्रीमेंट कर लें आपस में कि वो इस साल इस सीजन में वो शुगर कैन नहीं खरीदेंगे, जो गन्ना है उसकी फसल उग गई है, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम लोग ये फसल नहीं खरीदेंगे, तो होगा क्या इससे, फार्मर के पास जो है इतनी जगह तो है नहीं कि वो उनको स्टोर करके अगले साल के लिए, और ना ही जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती है उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो स्टोर हो सके, तो इसलिए होगा क्या कि फार्मर को वो सस्ते दामों बेचना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब उसकी कोई चीज़ खरीद नहीं रहा होगा तो इस केस में क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट में सरप्लस हो जाएगा, जब सरप्लस हो जाता है तो ये सरप्लस की वजह से प्राइस कम हो जाती है। तो अब इन चीज़ों की वजह से जो है फार्मर के राइट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो गवर्नमेंट करती क्या है, एक लिमिट सेट कर देती है कि इस लिमिट से ऊपर या इस लिमिट से नीचे जो है प्राइस नहीं जा सकती, ठीक है। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के लिए भी ये हार्मफुल होता है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इस टॉपिक से रिलेटेड। अब इससे आगे जाते हैं तो इस नेक्स्ट टॉपिक हमने जो स्टार्ट करना है बेसिकली वो है कॉबवेब थ्योरम। कॉबवेब थ्योरम से पहले हमें एक चीज का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, वो है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी को हमने नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल से स्टडी करना है। इलास्टिक डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है, सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई, इन सब को हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करना है। बट क्योंकि हमारे इस कॉन्सेप्ट में इसकी इन्वॉल्वमेंट है थोड़ी बहुत, तो इस वजह से हमें इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। तो इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जो कि सेंसिटिव टू प्राइस चेंज होती है, ठीक है। इन इलास्टिक जो कि इनसेंसिटिव टू प्राइस चेंज। अब ये क्या बात हो गई, इसकी एक एग्जांपल के जरिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो एग्जांपल हम लेते हैं कस्टमर की लॉयल्टी। अगर कस्टमर अपने ब्रांड के साथ लॉयल होगा तो वो उसकी उस कस्टमर को ब्रांड की प्राइस से फर्क नहीं पड़ रहा होगा। जिस तरह आईफोन यूजर्स हैं, आईफोन जितनी भी अपनी प्राइस बढ़ा दे, उसके जो लॉयल कस्टमर होंगे जो कि सिर्फ आईफोन को ही यूज करना पसंद करते होंगे, वो उसकी डिमांड कम नहीं करेंगे। इट मीन्स कि प्राइस चेंज हो रही है लेकिन उसकी वजह से डिमांड चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो ये, या डिमांड अगर चेंज हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, तो इसको हम कहते हैं ये इन इलास्टिक है। हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि आईफोन के जो लॉयल कस्टमर होंगे उनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ रहा होगा, वो सेंसिटिव टू प्राइस चेंज नहीं होंगे, तो उनकी जो डिमांड होगी उसको हम कह देंगे कि इन इलास्टिक डिमांड है। ये प्राइस के फ्लक्चुएट होने से, प्राइस के ऊपर नीचे जाने से इनमें चेंज नहीं आ रहा या बहुत कम चेंज आ रहा है, तो उस डिमांड को हम कहते हैं ये इन इलास्टिक है। ऑन द अदर हैंड, अगर तो लॉयल कस्टमर नहीं है, अगर तो लॉयल कस्टमर नहीं है आईफोन यूजर्स, तो वो क्या होगा, जैसे ही आईफोन की प्राइस बढ़ेगी तो वो इंट्राडे की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी कि प्राइस के चेंज होने से चीज़ की डिमांड भी चेंज हो जाएगी। तो इस केस में हम कहते हैं कि उसकी इलास्टिक डिमांड है, या फिर प्राइस अगर थोड़ी सी भी चेंज हो तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं ये इलास्टिक डिमांड है, यानी कि ये सेंसिटिव टू प्राइस चेंज है। ये सेंसिटिव टू प्राइस चेंज है, प्राइस के चेंज होने से ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड का। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कॉबवेब थ्योरम। अब कॉबवेब थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आई कैप की बुक में एक कुछ बातें की हुई हैं, इन बातों को हम इस एक्सप्लेनेशन के बाद देखेंगे तो हमारे लिए इनको समझना आसान होगा। सर, जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होगा क्या, एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेदर अच्छा था जिसकी वजह से फसल अच्छी होगी, तो होगा क्या, जो फसल उगाने वाला होगा, जो फार्मर वगैरह होंगे, वो उनके पास जो है फसल ज्यादा हो जाएगी। अब क्या वो क्या करेंगे, वो मार्केट में जाके सप्लाई बढ़ा देंगे, क्योंकि उनके पास सामान ज्यादा आ गया, उनके पास जो फसल है वो ज्यादा हो गई है, तो वो मार्केट में जाकर सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे।
जब मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो गई, जब मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो गई तो डिमांड तो इंक्रीज नहीं हुई ऑब्वियसली, सप्लाई इंक्रीज होगी तो इससे होगा क्या, मार्केट में सरप्लस चीजें आ जाएंगी। जब मार्केट में सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और डिमांड इतनी नहीं होगी, सरप्लस क्रिएट हो गया मार्केट में, इक्विलिब्रियम से ज्यादा सप्लाई होगी और डिमांड इतनी नहीं है, तो इससे होगा क्या, प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी उनकी फसल की। तो अब होगा क्या, जब प्राइस कम हुई तो फार्मर ने ये जो है आइडिया लगा दिया कि मेरी जो है फसल ये तो सस्ती बिकी है, मुझे नुकसान हो गया। अब होगा क्या, फार्मर उस साल तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने पिछले साल की फसल इस साल आकर बेची थी। अब होगा क्या, वो नेक्स्ट ईयर की फसल इसके अकॉर्डिंगली प्लान करेगा, वो ये सोच रहा होगा कि अब मेरी ये फसल जो है ये सस्ती बिकी है, तो अब मैं जब अगले साल की फसल उगाऊंगा तो वो मैं कम उगाऊंगा। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है जब प्राइस कम होती है तो उससे सप्लाई भी कम कर देता है प्रोड्यूसर। तो अब फार्मर क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर की जो सप्लाई है उसको डिक्रीज कर देगा। और वो ऐसा क्यों करेगा, किस बेस पर ऐसा करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, उसको जो है कम प्राइस मिली थी। अब जब वो नेक्स्ट ईयर में सप्लाई डिक्रीज कर रहा है तो इसका अफेक्ट क्या हुआ, इक्विलिब्रियम से कम उसने सप्लाई कर दी। तो अब होगा क्या, सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, मार्केट में एक शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। शॉर्टेज की वजह से मैं मालूम है जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, शॉर्टेज बन जाती है, तो प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो होगा क्या, अब फार्मर के माइंड में आ जाएगा कि मेरी जो प्राइस है वो बढ़ गई है, तो अब वो उसके अकॉर्डिंग थी नेक्स्ट ईयर की सप्लाई जो है वो प्लान कर रहा होगा। तो अब क्या करेगा, जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी उसकी फसल की, तो वो अगली साल की जो फसल है उसको जब वो उगा रहा होगा तो ये प्लान में रखेगा कि मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा। और अब जब उसने ज्यादा सप्लाई करेगा नेक्स्ट ईयर, तो होगा क्या, सप्लाई ज्यादा कर दी उसने तो मार्केट में सरप्लस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। तो अब यही साइकिल जो है बार बार चलती रहेगी। इसको कहते हैं हम, ये एक पॉपअप थ्योरम है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये थ्योरी, इसको पढ़ते हैं, इसको भी उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को बस एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ी सी वर्डिंग का जो है वो डिफरेंट है। ओवर द इयर्स इनस्टेबिलिटी इन फार्म प्राइस एंड इनकम इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पूल्ड विद अनसिस्टमेटिक वेरिएशन इन द हार्वेस्ट। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि जो है डिफरेंस इन इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी है डिमांड और सप्लाई के अंदर, यानी कि प्राइस चेंज होने से कितनी डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस चेंज होने से डिमांड में कितना फर्क पड़ रहा है या प्राइस चेंज होने से सप्लाई में कितना फर्क पड़ रहा है, ये मेन रीजन है जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी है फार्म की प्राइसेस में, उनकी लोगों की इनकम में। इनकम मीन्स जो लोग डिमांड करते हैं, जब ऑब्वियसली जब लोगों की तरफ से डिमांड आएगी तो ही वो चीजों को खरीदेंगे और वो फार्मर की इनकम बनेगी, तो इनको को हम डिमांड भी कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं वो, बिकॉज इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट द लेंथ ऑफ प्रोडक्शन पीरियड बिटवीन द प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज ऑफन एज लॉन्ग एज प्रोड्यूसर रिमेन अनेबल टू प्रेडिक्ट द अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। क्योंकि जब वो फसल को उगा रहा होता है और जब उसको काट रहा होता है, इनमें एक बहुत बड़ा गैप होता है, तो इस वजह से वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, इतनी जल्दी वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि उसकी जो फसल है वो उसकी प्राइस के अकॉर्डिंगली वो सप्लाई को डिजाइन कर सके, ठीक है। तो अब होगा क्या, व्हाइल डीलिंग विद एग्रीकल्चर सेक्टर, वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड इट विल बी सोल्ड फॉर वट एवर इट विल ब्रिंग। एक बार उसने जब फसल लगा दी तो अब उसके लिए लाजमी हो गया कि वो उसको बेचेगा ही बेचेगा। क्यों, क्योंकि वो उसको स्टोर तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा नहीं है जिसको हम ज्यादा अर्से तक स्टोर करके रख सकें। हाउ एवर ड्यू टू वेदर कंडीशंस, ड्यू टू एंटिसिपेटेड वेदर कंडीशन एंड अदर फैक्टर आउटसाइड द फैक्टर आउटसाइड, लेकिन कुछ दूसरे फैक्टर्स की वजह से जो है क्या होगा, फार्मर विल डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सप्लाई कर्व ओवर द ईयर्स। फार्मर जो है डिटरमाइन करेगा पोजीशन ऑफ सप्लाई और कर्व ऑफ द ईयर्स। अब फार्मर जो है ये तो कर नहीं सकता कि एक ही साल में वो ये कर ले कि वो अपनी प्राइस लगवाए अपनी फसल की और उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई को डिसाइड करें, क्योंकि इसमें पूरा बहुत लंबा गैप होता है। तो इसलिए फार्मर क्या करता है, अगले साल का जो है वो प्लानिंग करता है, यानी तो वो यही बता रहा है कि जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वेदर कंडीशंस हो गई या और दूसरे फैक्टर्स हो गए, तो फार्मर क्या करेगा, उनके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर लेता है कि नेक्स्ट ईयर मैंने सप्लाई कितनी करनी है। ओके, तो उसका साइज ऑफ रिजल्टिंग प्राइस फ्लक्चुएशन डिपेंड अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये जो रिजल्ट जो साइज ऑफ रिजल्टिंग प्राइस फ्लक्चुएशन, अब जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा, ये जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहा होता है, ये क्या डिपेंड किस पे कर रहा होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर, यानी कि डिमांड के ऊपर कितना एक फर्क पड़ रहा है प्राइस के चेंज होने का, ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है।
ड्यू टू, अब हमने इसको रिवाइज करते हैं इस पॉइंट को, उसने क्या बताया है, ड्यू टू एंटिसिपेटेड वेदर कंडीशंस एंड अदर फैक्टर्स आउटसाइड, क्या करेंगे फार्मर जो है दूसरी कंडीशंस की वजह से, फार्मर क्या करेंगे डिटरमाइन करने के पोजीशन और सप्लाई कर्व ओवर द इयर्स। अब वो इस साल की पोजीशन तो सप्लाई, इस साल का सप्लाई तो वो डिसाइड नहीं कर सकते ठीक है इस प्राइस की बेस पे, लेकिन वो अगले साल की जो है सप्लाई है वो डिसाइड करने के, द साइज ऑफ रिजल्टिंग प्राइस फ्लक्चुएशन डिपेंड किस पे करेगी, जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही होगी ठीक है वो डिपेंड किस पे कर रही होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर कर रही होगी डिपेंड, एज अ डिमांड फॉर हाईली पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सच एज क्रॉप इज डिमांड इज जनरली सच एज फूड क्रॉप्स द डिमांड जनरली इज इन इलास्टिक बिकॉज द फूड इज नेसेसिटी। अब वो बता रहा है कि जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है किस केस में, जो कि हमारे पास पेरिशेबल गुड्स होती हैं, पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं। अब हमें मालूम है पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं, हमने ऑलरेडी स्टडी को किया हुआ है, तो आपको बता रहा है कि जो इन इलास्टिक होती है डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है कि जब प्राइस चेंज हो रही होती तो उससे उन इन चीजों की डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि ये नेसेसिटी है, ये लोगों को अपनी सहूलियात जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन प्राइस अकर एज इन इलास्टिसिटी सप्लाई कर्व शिफ्ट अप और डाउन विद रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। सर सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन प्राइस अकर, जो प्राइस में जो है सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं तो होगा क्या, उससे जो इन इलास्टिक सप्लाई कर्व होगा, यानी कि जो इन इलास्टिक सप्लाई कर्व होगा जिसके ऊपर वो कर्व सप्लाई जिसके ऊपर प्राइस का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा वो भी शिफ्ट हो रहा होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड विद रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। इट व्हाट डज इट मीन सर, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, सर अब वो ये बात कर रहा है कि डिमांड कर्व जो है वो भी इन इलास्टिक है जबकि जो सप्लाई कर्व है वो भी इन इलास्टिक है, यानी कि दोनों पे ही प्राइस का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो डिमांड कर्व है वो ज्यादा इन इलास्टिक है, यानी वो उसके ऊपर तो जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। वही जिस तरह हमने बात की नेसेसिटी की, अगर हम बात करें तो नेसेसिटी के ऊपर तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्राइस जितनी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि लोगों को अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए वो जरूरी होती है, जबकि जो इन इलास्टिक सप्लाई है उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, तो होगा क्या अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है वो उसमें शिफ्ट आएगा अपवर्ड और डाउनवर्ड किसके मुकाबले में, इन इलास्टिक डिमांड कर्व के मुकाबले में। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो डिमांड कर्व है ये ज्यादा इन इलास्टिक है एज कम्पेयर टू सप्लाई कर्व। फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू फ्लक्चुएशन इन इनकम बिकम मोर सीरियस देन फ्लक्चुएशन इन प्राइस। अब वो कह रहे हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्रीकल्चर बनवा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फ्लक्चुएशन इनकम के अंदर है यानी कि डिमांड के अंदर जो फ्लक्चुएशन आ रही है वो ज्यादा सीरियस इशू है एज कम्पेयर टू फ्लक्चुएशन इन प्राइस इफ डिमांड इज इलास्टिक, अगर तो डिमांड उसकी इलास्टिक हो। ऐसा क्यों, क्यों, क्योंकि अगर तो डिमांड इलास्टिक हुई तो होगा क्या, जैसे ही डिमांड अगर इलास्टिक होगी यानी कि प्राइस चेंज होने से उस चीज की डिमांड पे भी ज्यादा फर्क पड़ रहा होगा, तो होगा क्या जैसे ही प्राइस चेंज होगी उस चीज की डिमांड बहुत कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल प्राइस अगर थोड़ी सी भी हम बढ़ाएंगे उसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो ये एक ज्यादा सीरियस इशू है। अ लिटल राइज इन प्राइस कॉज अ ड्रास्टिक फॉल इन डिमांड एंड देन द फार्मर इनकम, से वही बात की थोड़ी सी भी हम प्राइस बढ़ाएंगे अगर, अ लिटल राइज इन प्राइस, इससे वजह क्या होगी, होगा क्या इससे कि ड्रास्टिक फॉल, एक बहुत बड़ा जो है फॉल आ जाएगा, कमी आ जाएगी डिमांड के अंदर, मार्केट के अंदर जो डिमांड होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ाने से, और इससे होगा क्या फार्मर की इनकम भी कम हो जाएगी। एज अ कॉन्सिक्वेंस इट इज इट कॉल्ड एन आयरनी फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर दैट इवन हैविंग अ गुड हार्वेस्ट फार्मर लूज मेजर फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम। उससे नुकसान क्या होता है कि इवन एक अच्छी हार्वेस्ट के बावजूद, एक अच्छी फसल उगाने के बावजूद भी फार्मर जो है वो उसकी इनकम जो है वो कम हो जाती है, वो अपनी मेजर फ्रैक्शन ऑफ इनकम को जो वो लूज कर देता है। उसके बाद वो बात कर रहे हैं डायनेमिक कॉज ऑफ प्राइस इंस्टेबिलिटी, प्राइस में इंस्टेबिलिटी की वजूहत क्या होती है, वो ये बता रहा है कि जैसे कि हमने अर्ली डिस्कस कर लिया है, क्योंकि प्रोडक्शन टाइम बहुत ज्यादा होता है, प्रोडक्शन पीरियड बहुत ज्यादा होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, देयर मे बी सप्लाई लैग, सप्लाई का जो है एक लैग आ जाता है बिटवीन द डिसीजन टू प्रोड्यूस एंड द एक्चुअल सप्लाई द सेक्टर विल बी एबल टू प्रोवाइड। सर जो डिसीजन हम ले रहे होते हैं वो हम एक साल पहले ले रहे होते हैं कि हमें कितनी सप्लाई करनी है ठीक है, और जब हम एक्चुअल सप्लाई कर रहे होते हैं उसके अंदर एक साल का डिफरेंस आ जाता है ऑलमोस्ट, तो इस वजह से जो है ये प्राइस के अंदर इंस्टेबिलिटी हो रही होती है। अज्यूमिंग दैट करंट ईयर प्राइस हैज नो अफेक्ट ऑन दिस ईयर सप्लाई, ये क्या बात की उसने, जो करंट ईयर की जो प्राइस है
उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा इस साल की सप्लाई के ऊपर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो जो सप्लाई कर रहा होगा, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जो बंदा होगा, उसने जो सप्लाई करनी है वो प्रीवियस ईयर की जो उसने उगाई हुई थी फसलें वो उनको सप्लाई कर रहा है। तो इस वजह से जो प्राइस अगर बढ़ेगी या प्राइस कम होगी तो उससे सप्लाई के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी चीजों को उगा लिया है, चीजें तैयार हो चुकी है, उसका जो है मजबूरी है उनको बेचना। बट विल डिटरमाइन द सप्लाई नेक्स्ट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस बहुत कम लग गई तो क्या होगा? वो इस साल तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अगले साल की सप्लाई को कम कर देगा। थ्रू द कोव वेब मॉडल डिस्क्राइब बिलो, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इशू विद मोर क्लैरिटी। अब उसने बताया कि कोव वेब मॉडल की मदद से हम इन इश्यूज को बहुत ज्यादा क्लियरिटी से समझ सकेंगे। उसके बाद कोव वेब मॉडल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब आपको फील हो रहा होगा कि ये जो डिस्कशन है ये बेसिकली इसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कोव वेब थ्योरम के अंदर जो है डेफिनेशन टाइप हम सब कह लें, कोव वेब थ्योरम इज एन इकोनॉमिक मॉडल व्हिच एक्सप्लेन दैट हाउ लिटिल इकोनॉमिक शॉक कैन स्वेल अप ड्यू टू प्रोड्यूसर बिहेवियर। बहुत छोटे छोटे इकोनॉमिक शॉक जो है वो स्वेल कर जाते हैं, वो बड़े हो सकते हैं ड्यू टू प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर के बिहेवियर की वजह से। एसेंशियली इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर। ये होता क्यों है? इंफॉर्मेशन के फेलियर की वजह से। हमने जैसे कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो फार्मर है, जो कि किसान है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि नेक्स्ट ईयर उसकी जो है डिमांड कितनी होगी। तो इस वजह से जो है वो अपने प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल के अकॉर्डिंगली वो है सप्लाई कर रहा होता है। तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये जो है इन्फॉर्मेशन फेलियर काउज करता है। वेयर द प्रोड्यूसर डिसाइड द करंट लेवल ऑफ आउटपुट, जो करंट लेवल जो इस साल उन्होंने प्रोडक्शन करनी है वो किस बेस पे डिसाइड कर रहे थे, और द एवरेज प्राइस दे ऑब्टेन प्रीवियसली, पिछले साल जो उनको प्राइस मिली थी उसकी बेस से वो इस साल की सप्लाई डिसाइड कर रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं कि ये कोव वेब थ्योरम है। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं कोव वेब मॉडल की या कोव वेब थ्योरम की। वी आर डीलिंग इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, हम डील कर से कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, किसी और इंडस्ट्री में डील नहीं कर रहे हैं। वेयर टाइम लैग आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, जहाँ पे टाइम लैग आ रहा है, यानी कि हमने जिस तरह डिस्कस किया कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लैग था, वो जो फार्मर था वो पिछले साल की बेस पे इस साल की सप्लाई जो है वो डिसाइड कर रहा था। और अगर तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ना होती, कोई ऐसी इंडस्ट्री होती जहाँ पे क्विकली चीजें बन रही हैं, तो यहाँ पे तो ये ऐसा ना हो रहा था। तो इस वजह से ये एजम्पशन है कि इस थ्योरम में कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को जो है कंसिडर कर रहे हैं। इट इज अज्यूम दैट द करंट प्राइस विल कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर। ये अज्यूम किया जाता है कि जो करंट प्राइस है वही कंटिन्यू होंगी अगले साल में भी, जबकि एक्चुअल में क्या होता है ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके अंदर जो फार्मर है, जब उसको पिछले साल एक प्राइस मिल रही होती है, तो वह एज्यूम करता है कि अगले साल भी यही प्राइस होगी। फार्मर हैव टू डिसाइड दैट हाउ मच टू प्रोड्यूस ईयर इन एडवांस। फार्मर को एडवांस में ही ये डिसाइड करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक साल पहले फसल लगाते हैं, तभी उसको एक साल बाद जाके उसका रिजल्ट मिल रहा होता है। प्राइस इज द फंक्शन ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड सप्लाई। सर, प्राइस जो है इज द फंक्शन ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड सप्लाई। जब हम इस साल जो साल की सप्लाई है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, हमें पिछले साल जो सप्लाई जो प्राइस मिली थी अपने प्रोडक्ट की, उसकी बेस पे हम इस साल की सप्लाई को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। कमोडिटी कंसर्न इन पेरिशेबल, जो कमोडिटी है, जो प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल है। जिस तरीके से मैंने बात की थी कि पेरिशेबल गुड्स क्या होती है, जो हम स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर वो पेरिशेबल ना होती तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था, जितनी मार्केट में डिमांड होती उतनी ही जो प्रोड्यूसर था वो सप्लाई करते और बाकी स्टोर करके रखते थे अगले साल के लिए। लेकिन ये पेरिशेबल है, इसलिए सप्लाई कम्प्लीटली सारी चीजों को सप्लाई करना जरूरी हो जाता है। इफ द प्राइस वाज लो, सम ऑफ द फार्मर विल नॉट मोर स्टे विद दिस क्रॉप नेक्स्ट ईयर। ऑब्वियसली अगर तो एक फार्मर ने इतनी मेहनत से फसल उगाई और वो मार्केट में लेके गया, अगर उसको प्राइस कम मिली है, तो हो सकता है कि वो फार्मर उस इंडस्ट्री में ही ना रहे, वो कोई उसी बस क्रॉप को ही खत्म कर दे, वो कोई दूसरी क्रॉप को उगाना शुरू कर दे। तो ये जो है कोव वेब मॉडल, इसकी कुछ अजम्पशंस हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट थिंग, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है डाइवर्जेंस और एक है कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस में हमें नजर आ रहा है कि ये सेंटर से मूव होता हुआ बाहर की जानिब जा रहा है, लाइक दिस, सेंटर से मूव होता हुआ बाहर की जानिब जा रहा है, इसको डाइवर्जेंस कहते हैं, यानी सेंटर से दूर जा रहा है। और कन्वर्जेंस में ये दूर से सेंटर की तरफ आ रहा है, लाइक दिस। कन्वर्जेंस में बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, जबकि डाइवर्जेंस में अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। अब ये होता क्या है डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस, इसको हम पढ़ते हैं। ये डायग्राम बिलो डेमोंस्ट्रेट हाउ द प्राइस मैकेनिज्म एडजस्ट द प्राइस एंड क्वांटिटी
फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर, तो प्राइस मैकेनिज्म कैसे एडजस्ट कर रहा होता है प्राइस और क्वांटिटी एक साल से दूसरे साल में, तो इसको हमने स्टडी करना है। अब उसने हमें बता दिया कि सपोज द इक्विलिब्रियम वाज सी, सपोज हमने क्या किया कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ई है, वेयर द क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू द क्वांटिटी डिमांड इन द मार्केट ऑफ क्रॉप्स। काउस की मार्केट की हम बात कर रहे हैं और हमने एक इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लिया। वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये जो हमें सेंटर में नजर आ रहा है, ये हमारा डिमांड करता है दिस वन, और ये जो है वो सप्लाई कर जाता हुआ नजर आ रहा है दिस वन। ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसको हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम दिया है एक्स पॉइंट। उसके बाद हुआ क्या? नाउ सपोज एपिडेमिक ऑफ काउ अपसेट द सिस्टम एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ काउ बीइंग सप्लाइड। काउ की जो सप्लाई थी वो कम हो गई है मार्केट के अंदर, ठीक है, टू द मार्केट दिस ईयर। इस साल काउ के अंदर जो मार्केट काउ की जो सप्लाई थी मार्केट में वो कम हो गई। विद द करंट ईयर द मार्केट प्राइस फॉर बीफ विल इंक्रीज ड्यू टू इन इलास्टिक डिमांड। जब जो सप्लाई थी वो कम हुई तो होगा क्या? मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, मार्केट में शॉर्टेज होगी डिमांड इंक्रीज होगी और इससे अल्टीमेटली जो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। दिस शॉर्टेज विल पुश द प्राइस मार्केट प्राइस अपवर्ड व्हिच विल इंकरेज द फार्मर टू सप्लाई मोर काउज नेक्स्ट ईयर। जब इस साल प्राइस बढ़ जाएगी तो जो फार्मर होंगे वो इंकरेज होंगे कि वो नेक्स्ट ईयर सप्लाई को ज्यादा कर दें, ठीक है, एज देयर प्रॉफिट ग्रोन अप, क्योंकि इस साल उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया था। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई थी। तो अब पहले इसको ग्राफिकली देखते हैं अगर, तो यहाँ पर था हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हुआ क्या जब शॉर्टेज हुई काउ की मार्केट में, तो इससे हुआ क्या? जब शॉर्टेज हो गई, सप्लाई कम हुई, इससे शॉर्टेज हो गई, तो होगा क्या? प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। ये हमें फर्स्ट एरो जो नजर आ रहा है, ये प्राइस यहाँ से मूव करके प्राइस यहाँ पे बढ़ के यहाँ पर आ गई, ठीक है, ये हमें फर्स्ट एरो नजर आ रहा है यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर जो है इक्विलिब्रियम हमें अब मिल गया, क्योंकि ये जो पॉइंट है सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं, ये इक्विलिब्रियम के गेट घूम रहा है। तो इस पॉइंट पर जो है हमें प्राइस मूव कर गई। उसके बाद होगा क्या? जब प्राइस बढ़ेगी तो नेक्स्ट ईयर में जो है वो लोग क्या करेंगे, जो फॉरवर्ड होंगे वो सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो जब वो उन्होंने सप्लाई को बढ़ाया तो सप्लाई अब यहाँ पर पहुंची, पहले सप्लाई इधर थी, अब सप्लाई इधर आ गई, ठीक है। अब जब उन्होंने सप्लाई को बढ़ा दिया नेक्स्ट ईयर, तो इससे क्या हुआ? मार्केट में सरप्लस आ गया। मार्केट में जब सरप्लस आ गया, सप्लाई ज्यादा हुई डिमांड कम हुई, तो होगा क्या? प्राइस कम हो जाएगी। तो इससे हुआ क्या? जब मार्केट में सरप्लस आया तो प्राइस कम हो गया, प्राइस रिड्यूस होकर इस पॉइंट पर पहुंच गई। प्राइस जो थी वो रिड्यूस होकर इस पॉइंट पर पहुंच गई, उसको हमने P1 का नाम दिया जी, इस पॉइंट पर प्राइस रिड्यूस होकर पहुंच गई। जब प्राइस कम हुई तो होगा क्या? नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे फार्मर्स? सोच के आएंगे कि नेक्स्ट ईयर अब तो हमने सप्लाई कम करनी है, क्यों? क्योंकि हमें कम प्राइस मिली थी। अब जब नेक्स्ट ईयर उन्हें क्योंकि कम प्राइस मिली थी, तो वो अब सोच के आएंगे कि हमने नेक्स्ट ईयर सप्लाई भी कम करनी है। अब नेक्स्ट ईयर सप्लाई को वो कम कर देंगे तो ये मूव करके इधर आ जाएगी सप्लाई। आप देख सकते हैं पहले सप्लाई यहाँ पर थी, अब सप्लाई यहाँ आ गई, यानी कि लेफ्टवर्ड मूव किया है सप्लाई करने, तो ये हम कह सकते हैं ये सप्लाई कम हो गई है फिर से, ठीक है। अब जब सप्लाई कम होगी तो इससे होगा क्या? अल्टीमेटली सप्लाई कम हुई, मार्केट में शॉर्टेज हुई, मार्केट में जब शॉर्टेज हुई तो प्राइस फिर से बढ़ जाएगी। तो अब प्राइस फिर इंक्रीज करके यहाँ पर पहुंच गई, P2 जिसको हमने नाम दिया हुआ है। अब जब प्राइस बढ़ी तो प्राइस बढ़ने से फार्मर खुश हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर वो जो है सप्लाई को ज्यादा कर देगा, जो कि इस पॉइंट पे हमें नजर आ रहा है कि सप्लाई अब यहाँ से राइट पर मूव हो गई है, सो सप्लाई इंक्रीज होगी। अब जब सप्लाई इंक्रीज हुई तो सेम वही मैकेनिज्म रिपीट होगा। क्या मैकेनिज्म रिपीट होगा? मार्केट में सरप्लस आ जाएगा और सरप्लस की वजह से जो प्राइस वो रिड्यूस हो जाएगी, इस वजह से जो प्राइस है वो आप देख रहे हैं डाउनवर्ड मूव कर रही है, और ये अब प्राइस दोबारा से P1 पर पहुंच गई है। तो हुआ क्या? इक्विलिब्रियम पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है और ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको कहते हैं हम डाइवर्जेंस। लेकिन इसमें एक चीज का हमें ख्याल रखना है कि जो ऊपर उसने लाइन लिखी हुई है प्राइस डाइवर्जिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम एज सप्लाई कर्व इज मोर इलास्टिक, जो सप्लाई कर्व है ये ज्यादा इलास्टिक है देन द डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व इज मोर इलास्टिक देन द डिमांड कर्व, यानी कि ES मींस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका मतलब क्या है? ऑल्दो हमने थर्ड चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस करना है, बट एक बार फिर मैं आपको आइडिया दे दूं। सप्लाई कर्व मोर इलास्टिक मीन्स के सप्लाई में प्राइस की चेंज होने की वजह से सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रही है एज कम्पेयर टू डिमांड, ठीक है। तो अब जब जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ग्रेटर हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, तो इस केस में होगा क्या? जो डिमांड कर्व होगा वो आपको फील हो रहा होगा थोड़ा सा ये स्टीपर बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा ये मतलब स्ट्रेट बिल्कुल जो है
यूनिफॉर्मली नहीं मूव कर रहा, ये थोड़ा सा जो है लेफ्ट वर्ड की तरफ जो है, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें इनके बीच में लाइक दिस, तो हमें ये फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा जो है ना स्ट्रेट लाइन की तरफ है, लाइक यहाँ से भी डिस्टेंस कम है, यहाँ से भी डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर हम सप्लाई कर्व की बात करें तो इसका सप्लाई कर्व का यहाँ से डिस्टेंस अगर देखें और यहाँ से डिस्टेंस देखें तो ये ज्यादा है। तो व्हाट डज इट मीन कि इस केस में होगा क्या कि जो सप्लाई कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन तो होगी और डिमांड कर्व भी स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन इनके जो ग्राफ होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। जो डिमांड कर्व होगा वो थोड़ा सा स्टीपर हमें नजर आ रहा होगा, जबकि जो सप्लाई कर्व होगा वो बिल्कुल हमें एक 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ नजर आ रहा होगा लाइक दिस। तो खैर ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो कि हमें नजर आ रहा होता है। अगर तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा हो एज कम्पेयर टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम कह देती है सप्लाई कर्व ज्यादा इलास्टिक हो एज कम्पेयर टू डिमांड कर्व, ठीक है, तो इस केस में ही डाइवर्जेंस होगी। डाइवर्जेंस होने की एक मेन रीजन क्या है, एक जो केस जिसके अंदर डाइवर्जेंस हमें होती हुई नजर आएगी वो हमसे पूछ सकता है कि डाइवर्जेंस किस केस में होती है, तो हम बताएंगे जब सप्लाई कर्व ज्यादा इलास्टिक हो एज कम्पेयर टू डिमांड कर्व, तो उसी केस में डाइवर्जेंस होती हुई हमें नजर आ रही होती है। उसके बाद इसके अंदर ये उसी को थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहा है, ड्यू टू लार्ज इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस विद कॉल एंड अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ काउ इन टू मार्केट नेक्स्ट ईयर, जब उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो नेक्स्ट ईयर की जो सप्लाई है वो ज्यादा कर देंगे। मतलब वो वही चीजों को दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको अभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ नेक्स्ट यहाँ से हम पढ़ते हैं, इफ वी टेक एग्जांपल इन सच अ वे दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्रीवियस केस में हमने क्या पढ़ा है, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, जो सप्लाई कर्व है वो ज्यादा इलास्टिक है एज कम्पेयर टू डिमांड कर्व। इस केस में वो क्या कह रहा है कि जो डिमांड कर्व है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई कर्व, यानी कि ऑपोजिट केस। देन द प्राइस एंड आउटपुट फ्लक्चुएशन विल बी मोर स्टेबल टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा प्राइस एंड आउटपुट फ्लक्चुएशन क्या होगी, मोर स्टेबल होगी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, ये ज्यादा इक्विलिब्रियम की तरफ आ रही होगी, जबकि पिछले केस में इक्विलिब्रियम से ये दूर जा रही थी, और इस केस में क्या होगा इक्विलिब्रियम की तरफ आ रही है। इसको हम कह देते हैं कन्वर्जेंट केस ऑफ पॉवर थ्योरम, जो कि हमने नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करना है कन्वर्जेंस को। अब इसके डायग्राम में देखें, अगर डिमांड इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई, ये बात प्रिंसिपल है जो कि हमें फॉलो करना है। अब वो हमें क्वेश्चन में क्लियरली बता सकता है कि डिमांड ज्यादा इलास्टिक है या सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कन्वर्जेंस यहाँ पर होगी या डाइवर्जेंस हो रही होगी। द मार्केट इन द फर्स्ट पीरियड इज इन डिसइक्विलिब्रियम बिकॉज द करंट प्राइस इज P1, नॉट द मार्केट क्लियरिंग प्राइस। यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कि जो मार्केट है वो डिसइक्विलिब्रियम में है, ये वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो है करंट प्राइस वो P1 है। तो अब हम देख लेते हैं P1 कहाँ पर हमें नजर आ रही है, P1 यहाँ पर हमें नजर आ रही है, ठीक है, ये जो है करंट प्राइस है, और इस करंट प्राइस पर सप्लाई यहाँ पर है और जो डिमांड है वो यहाँ पर है। व्हाट डज इट मीन, जो सप्लाई है वो ज्यादा है और जो डिमांड है वो कम है, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि प्राइस ज्यादा है, प्राइस हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो इससे होगा क्या मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा हुआ है कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ा देते हैं, और हमें लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा हुआ है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम कर देते हैं। तो प्राइस ज्यादा है, डिमांड कम है, होगा क्या उसके बाद P2 पे मूव कर जाएगी जब प्राइस, क्योंकि और P2 पे क्यों मूव करेगी, क्योंकि हमें मालूम है जब सप्लाई ज्यादा हो तो इससे मार्केट में सरप्लस क्रिएट होता है, जब सरप्लस क्रिएट होता है तो इससे प्राइस डिक्रीज हो जाती है, प्राइस फॉल कर जाती है। अब P1 से प्राइस ने फॉल करके मूव कर दी यहाँ पर P2 के ऊपर, अब P2 के ऊपर क्या हुआ, P2 के ऊपर डिमांड, ये जो हमारे पास डिमांड कर्व जो नीचे की तरफ आ रहा है, डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम हो गई है, ठीक है। ऊपर क्या था, ऊपर सप्लाई ज्यादा थी डिमांड कम थी, नीचे क्या हुआ जब प्राइस बहुत कम हो गई, प्राइस P1 से P2 पर मूव कर गई, तो हुआ क्या, डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई। जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो तो इससे होगा क्या, मार्केट के अंदर शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, जब शॉर्टेज क्रिएट होगी तो प्राइस इंक्रीज करेगी। तो इसी तरीके इसी वजह से क्या हो रहा है, अब प्राइस पहले यहाँ से मूव करके ये यहाँ पे आई थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ से मूव करते हुए अब इससे प्राइस क्योंकि बढ़ेगी तो प्राइस यहाँ पर P3 पर पहुंच गई, ये जो P3 हमें नजर आ रहा है ये थर्ड पॉइंट है। अब प्राइस मूव करके यहाँ पर आ गई, अब जब प्राइस यहाँ पर आई ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमें मालूम है इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे हो रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब प्राइस यहाँ पर आ जाएगी, तो अब होगा क्या, जब प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ने से सप्लाई हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर आ गई, ठीक है, सप्लाई जो है वो
बढ़ गई, पहले सप्लाई कितनी थी, पहले सप्लाई इतनी थी, अब वो मूव करके या राइट फुट उसने मूव किया और यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से डायग्राम चलता रहेगा और ये मूव करता रहेगा इस तरीके से इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो इसकी जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इसको हमने कहा था कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस में हमेशा होता क्या है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और इसका मतलब क्या है, इसकी यानी कि हम अगर स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ये बाय द वे, यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो स्टीपर है, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन अगर तो इससे ज्यादा करीब जो है वो ये सप्लाई कर्व बन रहा है, जबकि प्रीवियस डायग्राम में जो डिमांड कर्व था वो इसके ज्यादा करीब था स्ट्रेट लाइन के। तो ये एक मेन सा डिफरेंस है, जो स्टीपर हो, जो हमें स्टीपर नजर आएगा, इट मींस उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम है। और जो हमें थोड़ा सा डिस्टेंस में नजर आएगा, इट मींस उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो इस केस में हमें कन्वर्जेंस के केस में हमें क्या मालूम है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज्यादा है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कम है, ठीक है। तो हमें नजर भी आ रहा है कि जो डिमांड है वो इतना, उसका अगर स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो उसका से डिस्टेंस इतना ज्यादा है और जो सप्लाई है उसका डिस्टेंस कम है। तो ये यहाँ तक कन्वर्जेंस की डिस्कशन थी। अब इसको डिस्कशन कर लेते हैं थ्योरी को, तो ये भी वही बात कर रहा है। इसी में भी प्राइस एंड क्वालिटी विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट, ये कंटिन्यू करती रहेगी ऑसिलेशन, यानी कि मूव करना इक्विलिब्रियम पॉइंट के गिर्द। दो इन दिस केस द मार्केट विल अप्रोच इक्विलिब्रियम, जब तक मार्केट इक्विलिब्रियम अप्रोच नहीं हो जाता एट मार्केट क्लियरिंग प्राइस, और एक ऐसी प्राइस नहीं मिल जाती जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए। तो ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की डिस्कशन थी। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इंक्रीज द प्राइस स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। अब गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना देती है जिसकी वजह से जो है प्राइस जो है वो स्टेबल रहती है एग्रीकल्चर के केस में। गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है जिसको बफर स्टॉक स्कीम कहते हैं। अब ये बफर स्टॉक स्कीम क्या होती है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह।